दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है हम MNP यानी किसी भी नेटवर्क के सिम को किसी दूसरे नेटवर्क पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके स्टेटस को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप गूगल के पेज पे आ जाइए, गूगल पे MNP स्टेटस लिख के इसको सर्च कर लें। जैसे ही आप MNP स्टेटस जो सर्च करोगे तो सबसे पहले जो है आपको इस लिंक को ढूंढना है, www.mnpindia.in, और इस लिंक को आपने ओपन कर देना है दोस्तों। इसी में छुपा हुआ है कि कैसे जो है आप अपने पोर्टिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली फील्ड में आपको वो नंबर लिखना है जो आपने पोर्ट करवाया है। तो आप इसमें अपना वो मोबाइल नंबर टाइप कर दें जो कि 10 अंकों का होगा। उसके बाद जो है उसके नीचे आपको UPS, ये UPS आपको जो है मोबाइल जब आप सिम को पोर्ट करते हो तो जो पोर्टिंग का नई सिम पे पोर्टिंग का ये नंबर आ जाता है। ये आपको नए सिम कार्ड जो आपको मोबाइल ऑपरेटर ने दिया होगा वो आपने वहाँ पे चेक कर लेना है। ये इस फॉर्मेट में होगा। इसमें सबसे पहले AB यानी कि इंग्लिश के लेटर्स होंगे, उसके बाद जो है आपका 1 2 3 यानी नंबरिंग इसके ऊपर होगी। और इसी कोड को आपने यहाँ पे डाल के, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी कोड डालता हूँ तो यही सेम आपको, अगर मैं मान लूँ कि मेरा UPS कोड जो है यही है तो सेम UPS कोड आप नीचे डाल दें जो भी आपने ऊपर डाला है। और उसके बाद जो है आपको ये कैप्चा डाल के इसको दोस्तों सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपका जो है पोर्टिंग का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा।